सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नाइकू को मार गिराया। इसे घाटी में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन से ठीक पहले आतंकियों का एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया। कहा जा रहा है कि इस फोन कॉल की वजह से ही सेना रियाज नाइकू का ठिकाना पता लगाने में कामयाब हो पाई। फोन कॉल पर की गई बातचीत से पता चलता है कि घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के बीच दरार थी। बता दें कि TRF भी एक आतंकी संगठन है जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान आतंकी दूसरे शख्स को रियाज भाई कहकर संबोधित कर रहा है। फोन पर वो कह रहा है, हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये अपने लोगों की कारगुजारी है, हमारे एनकाउंटर के पीछे इन्हीं TRF का हाथ है, इनसे दूर रहना। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या फोन पर बातचीत करने वाला आतंकी मारा गया या नहीं, लेकिन बातचीत से इतना जरूर साफ है कि यह आतंकी मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल पर मौजूद था और घायल हुआ था। सूत्रों का कहना है कि काफी लंबे समय से घाटी में TRF और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से रियाज नाइकू मारा गया। सुरक्षा बलों को लंबे समय से रियाज नाइकू की तलाश थी, उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर कर आखिरकार रियाज नाइकू को ढेर किया। न्यूज डेस्क।